हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल रॉयल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि ये 4G गेम क्या है और हाल ही में लॉन्च की गई है, कैसे बनाई गई है, इसके सारी ग्राफिक के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, इस ऐप को हम ओपन कर लेते हैं। इसको ऐप को ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का यहाँ पे पेज ओपन होता है। एक बार हम इसका रिव्यू चेक देख लेते हैं कैसे गेम बनी हुई है। 4G गेम देख सकते हैं, इसका फ्रंट इंटरफेस इस तरह बना हुआ है। कॉल ऑफ ड्यूटी में अलग अलग गेम्स में होता है, उस तरह अलग ऑनलाइन अभी आने वाला बाकी है। अभी पर्सनल कैंपेन यहाँ पे हो रहा है, तो स्टार्ट करते एक बार लुक देख लेते कैसा बना हुआ है। 15 जून दोपहर 2 बजे गलवान घाटी, हिमालय की ऊंचाइयों पर भारतीय सीमा का एक सुदूर वीरान इलाका। कॉर्पोरल अहमद बेस को खबर देते हैं कि फॉरवर्ड पोस्ट से झंडा नदारद है। सर देखिए, वहाँ और भी है। पर्वतों पर उस दिन फौजी कमांडोज अकेले नहीं थे। दुश्मन सैनिकों ने गिरते पत्थरों की आग लेकर फौजी यूनिट पर धावा बोल दिया। कबीर बेस कैंप, स्क्वाड 3 का भारतीय क्षेत्र में घुसपैठियों से सामना हुआ। रिपीट, स्क्वाड 3 का दुश्मनों से सामना हुआ। लेफ्टिनेंट सिंह की पेट्रोल 3 टीम को जिस आखिरी विरोधी का सामना करना पड़ा, वो थे भूस्खलन से गिरे पत्थर और चट्टान। और फिर अंधेरा छा गया। 6 घंटे बाद जब लेफ्टिनेंट सिंह की आंख खुली तो उनका सर चकरा रहा था। पहाड़ से हुई पत्थरों की उस बौछार से खरोचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोट आई थी। अहमद, ढिल्लो, रवि। फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाइयों से बेहतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीद हो चुके थे। कम से कम वो जिंदा तो थे। भारतीय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता। ये लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। बहादुरी, भाईचारे और भारत के लिए 4G। दोस्तों, यहाँ पे इंडिया के लिए काफी अच्छी बात है, ये इंडिया की गेम यहाँ पे लॉन्च हो चुकी है। सिंपली हमें यहाँ आगे प्रेस करना है। देखते हैं आगे का डिजाइन कैसा बना हुआ है, ग्राफिक कैसा बना हुआ है, यहाँ पे सारी चीजें एक बार यूज करने वाला, इसका यूज करना है। ठीक है, चलो ग्राफिक अच्छा है अभी। टेस्ट नियर द प्लेस रजिस्टर्ड। ओके, यहाँ पे हमारा जो खून डाउन हुआ है उसको हमें यहाँ बैठ कर बढ़ाना है। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पे बैठ लेते हैं। वाह, देख सकते हो ऊपर हमारा खून यहाँ पे बढ़ रहा है, जो हमारी एनर्जी ड्रिंक है वो बढ़ रही है। इसका जो ग्राफिक है काफ़ी एक्सेलेंट है, बट अभी यहाँ कुछ एडिटिंग करना बाकी है। यहाँ पे कुछ इनका देख सकते हैं, यहाँ पे हम ऊपर लाइन पे नहीं चढ़ सकते। मैं सिग्नल दिखा रहा है, उसी लाइन पे हमें जाना है। यहाँ पे कुछ वेपन्स है, उसको हम यहाँ पे उठा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हमें वेपन्स यहाँ पे उठा लिया या छोड़ सकते हैं। सकते
उन्होंने मेरे आदमियों को जहां भी कैद करके रखा है मैं पता लगा लूंगा। एक ही बंदे को 5-5 लोग दे रहे थे, उसके पास वेपन होता तो शायद ये सब लोगों को खत्म कर देता। इसका जो ग्राफिक है काफी शानदार है दोस्तों, ये एक इंडियन गेम हो चुकी है। ऐसे वेपन सकते हम साथ लड़ेंगे और हमें साथ मरने का भी कोई डर नहीं है। अगर मैं मरा तो मैं उन्हें याद रखने के लिए कुछ ना कुछ देकर मरूंगा। लैंग्वेज का यूज किया गया और ये शानदार एक बात है हमारे लिए, एक इंडियन ऐप है। या तो फिर से एनर्जी लेने के लिए यहाँ सिंपली हमें बैठ जाना है। दोस्तों मेरे लिए तो काफ़ी शानदार रहा है, अभी इसमें कुछ एडिटिंग और ग्राफिक करना बाकी है जो इन फ्यूचर में आपको अच्छा इससे भी बेहतर लुक मिलेगा। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करूँगा ये वाला वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली ऐसी सारी टेक्निकल वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.